नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो नई वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी का, जो लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली, कितने पोस्ट 50,000 से प्लस। तो जितने भी एसएससी जीडी के जो सेना में जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश जिसका सपना है कि हम भी देश के सेना में भर्ती हों, तो वो अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। तो आज के वीडियो में जानेंगे इस जो वैकेंसी आए उसके पूरे डिटेल के बारे में। तो वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021, तो इस वैकेंसी में जो प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया, सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा, लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद फिजिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद सिलेक्शन। तो इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो बहुत जल्द, अभी ऑफिशियल साइट पर नहीं दिया गया है, वो बहुत जल्द ही यहाँ पर दे दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए ₹100 होगी, और SC ST को कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। और फीमेल में ऑल जनरल ओबीसी जितने भी फीमेल के कैंडिडेट हैं उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट वो 2 से 25 अगस्त तक ले लिया जाएगा, यानी अगस्त के आखिरी महीने तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए आप कौन कौन सा पेमेंट का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया के कोई भी अभ्यर्थी भर सकते हैं, और आपका जो पोस्टिंग दिया जाएगा वो इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम जो है 1 अगस्त 2020 तक मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, OBC वालों को 3 साल का छूट दिया गया। आगे की पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें कौन कौन से पोस्ट आएंगे, जिसमें कांस्टेबल GD, CR, PF हो गया, उसके बाद NIA हो गया, आगे बताएंगे इन सब का पूरा नाम भी बताएंगे, SSF हो गया, ITBP हो गया, और BSF हो गया, और भी बहुत सारे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिजिकल, क्योंकि सारे लोग का फिजिकल तो नहीं यहाँ पर हो पाएगा जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो उसके लिए जो है
पुरुष के लिए जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157, फीमेल के लिए 157। और रनिंग, इसमें जो रनिंग लिया जाएगा वो मेल के लिए, पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा कितने मिनट में, 24 मिनट में। 5 किलोमीटर का रनिंग लिया जाएगा 24 मिनट में। मेल के लिए चौबीस मिनट में 5 किलोमीटर का, फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर, 1600 मीटर कितने मिनट में, 8 मिनट में। ये उनका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको रिजल्ट बनाने के लिए इससे कम समय का ही टारगेट करना पड़ेगा। अब पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी। तो बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी को कहते हैं बीएसएफ। इसकी जो टोटल पुरुष के लिए जो वैकेंसी है वह 14,436 होगी, और महिलाओं के लिए 2548। दूसरा जो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें जो पुरुष के लिए टोटल वैकेंसी होगी वो होगी 7266, और महिलाओं के लिए 807। अगला है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF को क्या कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी जो टोटल वैकेंसी होगी वो होगी 13,769, और महिलाओं के लिए 2055। अगला जो है वो है SSB, इसको कहते हैं सहस्त्र सीमा बल, सहस्त्र सीमा बल। ये पुरुष के लिए जो वैकेंसी टोटल होगी वो होगी 8,931, और महिलाओं के लिए 2025 वैकेंसी। और आगे जो है वो है ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसमें पुरुष के लिए जो वैकेंसी है वो है 2841, और महिलाओं के लिए जो पोस्ट होगी वो होगी 501। और अगला जो पोस्ट है वो है AR, असल्ट राइफल। इसमें पुरुष के लिए 376 पद होंगे और महिलाओं के लिए 3076 पद होंगे और महिलाओं के लिए 1500। आगे है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें पुरुष के लिए जो सीट होगी वो होगी 8, और महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट नहीं हो। आगे है SSF, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स। इसमें पुरुष के लिए 372 पोस्ट होगी और महिलाओं के लिए 75। तो इस तरह जो टोटल वैकेंसी हुई, टोटल वैकेंसी मेल के लिए, टोटल वैकेंसी मेल के लिए लगभग 50,699 होगी, और फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए लगभग 9,511। अब आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो होगा वो टोटल 90 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 90 मिनट में टोटल
100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टाइम कितना रहेगा? टाइम 90 मिनट, टाइम रहेगा 90 मिनट का। उसमें आपका 25 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जुड़ा हुआ। 25 क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से। 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, और 25 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। 25 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम जो है एग्जाम डेट लास्ट मंथ्स ऑफ अगस्त अगस्त है, इसलिए आपको कम समय में जो तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स होगी, बेस्ट बुक्स SSC GD के लिए। जीके जीके और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें लूसेंट का एक बुक आता है, लूसेंट का आप उससे पढ़ सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी एक लूसेंट का आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अरिहंट अरी हंट का बुक आता है, उसको भी उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैथ के लिए आप एनी बुक्स किसी भी बुक का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप राकेश यादव सर का बुक पढ़ सकते हैं मैथ का।